मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की आज अंतिम तिथि है। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा। नामांकन दाखिल करने से पहले पूर्व सीएम शिवराज ने अपने निवास पर पूजा अर्चना की। उन्होंने विदिशा रायसेन की जनता से अपील करते हुए कहा कि मैंने अपनी संपूर्ण क्षमता से आपकी सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सेवा का सौभाग्य प्रदान किया है। आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर रहा हूं। इस अवसर पर आपका स्नेह, सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, यही प्रार्थना है। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि आपकी सेवा करने का अवसर मुझे पहले सांसद के रूप में मिला और फिर मुख्यमंत्री के रूप में। मैंने अपनी संपूर्ण क्षमता से आपकी सेवा और क्षेत्र के विकास के लगातार प्रयत्न किए। एक बार फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। मुझे लोकसभा का चुनाव विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से लड़ाया जा रहा है। मैं आज फॉर्म भर रहा हूँ। पहले भी आपकी सेवा की है। आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। पूजा मान के ही मैं सेवा करता हूँ। मैं सेवा भी करूंगा और विकास में भी आपके साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर आपका स्नेह, सहयोग और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिले, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।